नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज ही इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम क्या है बच्चों, कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, सुनिए। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे समझिए आपके पास कुछ मैसेज है और वो मैसेज ना आप अपने दोस्त तक पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। कोई आपको खुफिया जानकारी मिल गई है और आप अपने दोस्त तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, तो कैसे पहुंचाएंगे? हाँ, सबका जवाब एक ही होगा, मोबाइल उठाएंगे, फ़ोन लगाएंगे और तुरंत उस तक ये जानकारी पहुंचा देंगे। तो कैसे, क्या किया हमने, मोबाइल का उपयोग किया, तो ये क्या हो गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। इससे हमने उससे बातचीत की, अपना मैसेज उस तक पहुँचा दिया, डिलीवर कर दिया है ना, वो खुफिया जानकारी मैंने उस तक पहुँचा दी। तो ये होता है बच्चों कम्युनिकेशन, यानी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे एक और वर्ड आया है, मास मीडिया। मास मीडिया मतलब क्या? अच्छा एक बात बताइए, मास मास मतलब क्या, कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा मात्रा में, यानी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, ओके। तो मास मीडिया, इसमें मीडिया भी आया है, तो देखो वो मीडिया जिसके थ्रू क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मास मीडिया। फॉर एग्जाम्पल ये टीवी जो है हमारा मास मीडिया, कैसे इस पर न्यूज़ वगैरह आते हैं, तो वो जो न्यूज़ टीवी पे आते हैं वो क्या बस हमारे ही टीवी पे आते हैं? नहीं, सबके टीवी पे आते हैं, सब लोग उसको सुनते हैं, तो इसके थ्रू बहुत सारे लोग कनेक्टेड है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका, मास मीडिया का। उसी प्रकार से न्यूज़पेपर्स एंड देन रेडियो, ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मास मीडिया, ओके। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मास मीडिया के, क्लियर है ना आपको, समझ में आया? चलिए अभी आगे देखते हैं बच्चों। अच्छा यहाँ पे ना सबसे पहले तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के आंसर देना। हाँ, पहला क्वेश्चन है, वी वॉच टीवी प्रोग्राम्स एंड वंस अगेन ऑन मेनी डिफरेंट चैनल्स, वेयर डू दे कम फ्रॉम? देखो बच्चों, हम लोग अपने टीवी पे बहुत अलग अलग तरीके के कार्यक्रम देखते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स देखते हैं, कार्टून देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, उसके बाद सीरियल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये जो सभी कार्यक्रम हैं ये हमारे टीवी में आए कैसे, क्या टीवी वाले ने उसमें ये सारे कार्यक्रम उधर भर करके रखे हुए हैं? नहीं। देखो पहले क्या होता था ना बच्चों, देखिए क्योंकि बच्चों का दिमाग कैसा होता है, थोड़ा क्रिएटिव होता है ना, वो थोड़ा हट करके सोचते हैं। तो मैं भी सोचती थी, अरे ये टीवी में ये लोग आते कैसे हैं, ये इंसान कैसे आते हैं, फिर मैं ये सोचती थी लगता है टीवी में घुसना पड़ता होगा, ठीक है। तो मैंने किसी से पूछा कि ये टीवी में ये लोग कैसे घुस जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये घुसते नहीं है, ये टीवी में ना फोटो खींच खींच करके डाला हुआ है तो वही आता है। फिर मैं सोचती थी फोटो खींच के डाला रहेगा, वो तो रुका हुआ आएगा, क्योंकि फोटो कैसा होता है, वो शांत रहता है, वो हिलता डुलता नहीं है, फिर ये लोग हिलते डुलते कैसे। लेकिन धीरे 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 जैसे मैंने आप लोगों की तरह जब पढ़ाई करनी शुरू की, तब मुझे समझ में आया कि ये टीवी जो रहता है इसमें लोग आते कैसे हैं, ठीक है। वैसे ही आपके मन में भी ये सवाल आता होगा, वैसे आप तो बड़े होशियार हो, आपको पता है कि ये लोग कैसे आते हैं, है ना, इसमें कोई आदमी नहीं घुसे, कोई फोटो खींच के नहीं रखा हुआ है, तो कैसे आते हैं आगे जानोगे उसी के बारे में, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, सुनिए, वी टॉक टू अदर्स ऑन आवर मोबाइल फोन्स, व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन ऑन मोबाइल फोन पॉसिबल? अब बताइए हम लोग क्या करते हैं, आपने खुफिया जानकारी अपने मित्र तक पहुंचाई थी किसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू, लेकिन क्या आपको पता है, क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि कैसे आपने अपने दोस्त से बात कर ली? देखो खुफिया जानकारी हमने अपने मित्र तक पहुंचा दी और वो बात हमारी मम्मी को भी नहीं पता है, मतलब हमारे दोस्त को पता चल गया लेकिन मम्मी को नहीं पता चला, कैसे भाई, कैसे कैसे पहुंचाई आपने ये जानकारी? आप बोलेंगे मोबाइल के थ्रू, हाँ हाँ ठीक है मोबाइल के थ्रू पहुंचाई, पर कैसे कैसे गया, किसके थ्रू गया, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? सोचा है, अगर नहीं सोचा है कोई बात नहीं, आपको अभी इसका जवाब मिलेगा। बस यहाँ पे आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनके आंसर आपको इस लेसन में दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आंसर्स नहीं पता है तो डोंट वरी, ओके, आपको आंसर मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था, तो वो लॉन्चिंग ऑफ स्पेस क्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा आपका फर्स्ट चैप्टर क्या था स्टूडेंट, वही स्पेस क्राफ्ट वगैरह के बारे में था, सैटेलाइट के बारे में था, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में,
ओके, इसके बारे में आपने पढ़ा था, राइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज इन मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, ये जो सैटेलाइट्स हम लोग छोड़ते हैं ना ऊपर आसमान में, वो अंतरिक्ष में, ये इन्हीं की वजह से क्या होता है, ये जो सारे डिवाइसेज है जैसे कि मोबाइल फोन्स एंड टीवी पे जो हम लोग अलग अलग तरीके के कार्यक्रम देखते हैं, इन्हीं की वजह से तो पॉसिबल हो पाता है। क्या होता है एक्चुअली में, पूरा प्रोसेस क्या होता है? तो देखो बच्चों, जैसे कोई कार्यक्रम है यहाँ पे हो रहा है, अब उसे टीवी पे दिखाना है तो कैसे जाएगा? टीवी तो उतना दूर आपके घर में है तो कैसे जाएगा? कोई वायर गया है? नहीं तो कैसे जाएगा? तो वो जो सैटेलाइट हम लोग ने ऊपर छोड़े हैं ना, वो क्या करेगा, उसको कैच करेगा। ये यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो सैटेलाइट उसको कैच करता है और फिर वहाँ से वो आपके घरों तक छोड़ता है। देखो कभी कभी क्या होता है, मौसम ख़राब होता है, पूरे बादल छाए रहते हैं, कभी आंधी तूफान आता रहता है तो हमारा नेटवर्क नहीं आता, हम कहते हैं सिग्नल नहीं मिल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई ऊपर से कनेक्शन है, हाँ, वो सैटेलाइट ने वो जानकारी उठाई फिर आप तक छोड़ी। अब मौसम वगैरह ख़राब रहेगा तो वो कैसे कर पाएगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन का भी है, ये भी इन्हीं सैटेलाइट्स की ही वजह से काम करते हैं। जो सैटेलाइट्स हमारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में, ठीक है, उन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से हम क्या कर पाते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं और ये टीवी देख पाते हैं, उसके बाद मोबाइल फ़ोन यूज़ कर पाते हैं। समझ में आया ना आपको कैसे? ओके, चलो आगे क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सिग्नल्स आर डिलीवर्ड वेरी क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे पहला, वी कैन वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट गोइंग ऑन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल क्रिकेट मैचेस। देखो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितनी, मतलब कितना तेजी से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। जैसे समझिए, लाइव मैच चलता है, सब लोग क्रिकेट देखते हैं ना लाइव, वो स्टेडियम में क्रिकेट होता रहता है, लेकिन हम घर पे उसका आनंद लेते हैं। भाई कैसे, एकदम सीधा प्रसारण होता है, कोई इधर उधर नहीं, जो वहाँ पे हो रहा है वही आपको दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। हमको ऑन द स्पॉट यानी कम समय में ही वो सारी जानकारी मिल जाती है जो वहाँ पे हो रहा है लाइव, ओके। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स वी कैन डायरेक्टली टॉक टू पीपल इन अदर कंट्रीज, यानी मोबाइल फोन्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कंट्री में जो लोग हैं, कई बार होता है ना इंडियंस लोग विदेश में जाकर के रहते हैं, अभी उनसे बात करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट, मोबाइल फोन्स का यूज़ करते हैं। अब तो वीडियो कॉलिंग का ज़माना आ गया, अब तो हम सामने सामने से देख करके उनको, उनसे बातें कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैन एड्रेस द एंटायर नेशन एट द सेम टाइम ओवर द रेडियो ऑन टीवी। रेडियो और टीवी, यानी ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, इनको अगर हमारे नेशन को एड्रेस करना होता है, एड्रेस करना मतलब उनको कोई भाषण देना होता है, तो वो लोग डायरेक्टली लोगों तक अपना भाषण पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? थ्रू रेडियो और टीवी, है ना। जैसे प्रधानमंत्री की आती है ना रविवार को मन की बात, किसके थ्रू आती है, मतलब किसके थ्रू हम तक पहुँचती है? रेडियो के थ्रू पहुँचती है, हाँ टीवी पे भी आती है लेकिन रेडियो के थ्रू भी पहुँचती है ना। तो उन्होंने अपना भाषण लोगों तक पहुंचाया किसके माध्यम से? तो इन्हें मास मीडिया के ही माध्यम से उन्होंने पहुंचाया, है ना। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सोचिए, ये जो सैटेलाइट्स ऊपर छोड़े जाते हैं ऐसे फालतू में नहीं छोड़े जाते, इनका भी बहुत बड़ा उपयोग होता है, ठीक है। अभी आप देखोगे इनके एडवांटेजेस देखोगे, डिसएडवांटेजेस देखोगे, यानी इसके फायदे कौन कौन से हैं और इनके नुकसान कौन कौन से हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आप देख सकते हो, देखो रॉकेट की लॉन्चिंग हो रही है, दिखाई दे रहा है, इस तरीके से होती है। और आपको लगता है कि ये एक दो दिन का काम है? नहीं, वैज्ञानिक लोग बहुत मेहनत करते हैं तब जाके एक जो सैटेलाइट है वो छोड़ा जाता है। सोचिए, ये देखो, ये होता है, मतलब इस तरीके से सैटेलाइट छोड़ा जाता है जो घूमता रहता है और वो हमको अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ देता है। जो भी स्पेस में कुछ भी घटित होता है, कोई भी घटना होती है, तो वो हमको जानकारियाँ देता है। और ये किसके थ्रू लॉन्च किया जाता है? तो रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया जाता है। और ये किस लिए यूजफुल होता है बच्चों? दे आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, ओके। डू यू नो, क्या इन इंडिया वी यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन? दिस सैटेलाइट्स आर कॉल्ड द इंडियन नेशनल सैटेलाइट। सुनिए बच्चों, इंडिया में क्या किया जाता है, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं इनका यूज़ किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन। और इन सैटेलाइट्स को किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? इंडियन नेशनल सैटेलाइट, यानी आप कह सकते हो इनसैट, ओके, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कह सकते हो, INSAT, इनसैट, और पूरा फुल फॉर्म बोलना है तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ओके।
इतना क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। यस, ये कौन है? कौन है ये? आपकी सहेली? अरे सहेली को तो, अच्छा सहेली यहाँ पे खुश है, यहाँ पे ये तो चिढ़ रही है, और ये दुखी हो गई, और यहाँ पे सरप्राइज है ना? आप देख सकते हो अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। अच्छा इनको देख करके आपको समझ में आया कि ये क्या है? ये हंस रही है, मतलब इसको अंदर से खुशी है, ये चिड़चिड़ा रही है, इसको गुस्सा आ रहा है, ये दुखी है ना? देखो फेशियल एक्सप्रेशन देख करके हमको समझ में आ रहा है कि इसका जो मूड है वो कैसा है। ऐसे ही ना जैसे आपके घर में भी पापा जब गुस्सा होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनका चेहरा देख करके समझ जाते हैं कि इनको गुस्सा आ रहा है। अभी हमें ना इनसे कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए, जब इनका मूड अच्छा रहेगा तब इनसे बातें करेंगे, है ना? ऐसा आप लोग भी ऐसा करते होंगे, जब मम्मी का मूड अच्छा है तभी कुछ खरीदने की बात करेंगे। अगर खिलौने आपको चाहिए तो क्या करोगे? जब मम्मी खुश रहेंगी तभी उनसे खिलौनों की मांग करोगे, वैसे नहीं करोगे। जब उनका मुंह एकदम बना रहेगा, गुस्से से लाल रहेगा, तब कुछ बोलोगे? नहीं। तो ये हमने कैसे समझा बच्चों? फेस देख करके समझा, यानी फेस जब हमने देखा तो हमको एक क्या मिला, क्या मिला हमको? एक सूचना मिली, एक इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी इनका मूड अच्छा नहीं है, इनसे बात नहीं करना चाहिए, है ना? इसी प्रकार से वही यहाँ पर दिया गया है बच्चों, इसी प्रकार से क्या होता है, कम्युनिकेशन भी होता है ना? देखो यहाँ पर मैं पढ़ करके आपको समझाती हूँ, सुनिए। वी स्टडी द पिक्चर्स गिवन अबोव, यानी ये जो पिक्चर्स दिए गए उनकी स्टडी करो। राइट द नेम ऑफ द इमोशन दैट यू सी ऑन इच फेस इन द बॉक्स बिलो इट, यानी जो भी इमोशंस आप देख पा रहे हो इस बॉक्स में भरो। तो क्या लिखोगे बच्चों, सुनो, ये क्या है? हैप्पी है, तो यहाँ पर लिखिएगा हैप्पी, क्योंकि ये खुशी है ना, खुश है, ठीक है? चलो इसका नाम रख देते खुशी। ओके, ये कौन है? खुशी है। ये क्या कर रही है? एंग्री, शी इज एंग्री, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर आप इसके हाथ में आ गए तो आपको पीट देगी, इसीलिए बच के रहना, हाँ, एंग्री। और ये क्या है? बेचारी, सैड है ना, सैड लिख देना यहाँ पे, सैड है, दुखी है, लगता है मम्मी ने मारा है। और ये तो सरप्राइज है, एकदम से लगता है किसी एलियन को देख लिया हो, है ना? यहाँ पर लिख दीजिए सरप्राइज। समझ में आया? इस प्रकार से आपको इसे फील करना है। देन सरप्राइज की स्पेलिंग पता है ना, लिख लेना। हाँ, फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वी कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन फीलिंग्स बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस। वही बताया मैंने, फेस पर देख करके हम समझ सकते हैं कि वो जो पर्सन है उसकी फीलिंग अभी क्या है, वो अभी क्या अनुभव कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, गुस्से में है, या फिर क्या है उसके अंदर, वो हमको पता चल जाता है। द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन फेस एंड अदर जेस्टर्स कम्युनिकेट अ मैसेज टू अस, यानी वो जो एक्सप्रेशन है उसके जो जेस्टर्स हैं इनकी हेल्प से। जेस्टर्स मतलब क्या होता है? जैसे मतलब कैसे हम लोग हाथ होता अपना हिलाते हैं, जेस्टर, ऐसे वैसा उसको कहते हैं जेस्टर, ठीक है? तो उसकी हेल्प से हमको क्या समझ में आया, उस इंसान के बारे में समझ में आ गया कि वो अभी कैसा महसूस कर रहा है, राइट? मतलब हमको एक क्या होता है, एक मैसेज मिल जाता है ना? हम लोग एक मैसेज पा जाते हैं, जैसे इंसान बोल करके हमको कैसे मैसेज देता है, उसी प्रकार से फेस देख करके भी हमको मैसेज मिल जाता है ना? वी रिसीव मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज या फिर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, और जब इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, यानी एक दूसरे तक हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट, कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट है, यानी ये जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, कोई न्यूज़ बताई जाती है, ठीक है, तो इट इज़ एन ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, और इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जब हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, तो इससे क्या होता है, हमारा दिमाग बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है ना? जैसे आज जो इतने होशियार होशियार लोग हैं, जैसे आपके टीचर ही हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें कैसे पता है? आपको जब वो पढ़ाने बैठती हैं तो क्या वो किसी से पूछती हैं? नहीं, उनको सब पता है। तो कैसे उनको पता चला, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अरे भाई, वो भी आप लोग के जैसे पढ़ाई करती थी, धीरे 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 उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कलेक्ट की कलेक्ट की, तो इससे उनका क्या हुआ, नॉलेज बढ़ता गया, नॉलेज बढ़ता गया, और वो आज आपको पढ़ा रही हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ पर वही दिया गया है। अब
यहाँ पे बच्चों देख सकते हो कैसे न्यूज आपके घरों तक जाता है, अलग अलग कार्यक्रम कैसे आपके घरों तक जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा ये कौन है भाई, ये कौन है रिपोर्टर। अच्छा, किसी को रिपोर्टर बनना है क्या? रिपोर्टर मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हो ना माइक पे आते हैं, कोई घटना हुई रहती है, कोई घटना या फिर कुछ भी होता है, तो एक कैमरामैन साहब रहेंगे और ये माइक लेकर के आके बोलने लगती है, ठीक है? तो उनको कहते हैं रिपोर्टर जर्नलिस्ट, ठीक है? तो ये है रिपोर्टर साहिबा, और ये अपना कुछ हुआ होगा तो वो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं अपने दर्शकों को, बता रही है कि आज यहाँ पे सुबह ये हुआ था और इसमें 2 लोग मारे गए हैं, 4 लोग घायल हुए। इस प्रकार से अच्छी खबर भी हो सकती है, बुरी खबर मैंने बताया, अच्छी खबर भी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण था, इस प्रकार से ये लोग कहते हैं, ठीक है? या फिर भाषण होने वाला है तो यहाँ पर आज ये नेताजी आने वाले हैं, इस प्रकार से ये लोग जाते हैं ना कहते हैं। तो वही ये जो ये लोग बोल रहे हैं, ये कहाँ तक जाता है, न्यूज़ रूम तक जाता है। जैसे यहाँ पे आप गाड़ी में देख सकते हो, क्योंकि देखो न्यूज़ चैनल्स वालों को अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, तो उनके साथ इनकी गाड़ी भी होती है जो सारे मतलब जो भी जानकारी रहती है उसको सेटेलाइट तक पहुँचाती है, और सेटेलाइट हमारे घर तक पहुँचाता है, ठीक है? तो ये इस न्यूज़ रूम में जाती है, फिर यहाँ से मतलब ये जो गाड़ी है इसमें, और फिर यहाँ पे देखो ऊपर ये छतरी जैसा लगा हुआ है गोल गोल एंटीना जैसा, तो यही क्या करता है, ये उस इन्फॉर्मेशन को, उस जानकारी को सैटेलाइट तक पहुंचाता है। देखो सैटेलाइट ने इसको कैच किया, और सैटेलाइट क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को हमारे घरों तक छोड़ता है। इस प्रकार से ये बंटी का घर, ये बबली का घर, और ये चुन्नू का घर, ठीक है? तो बंटी अपने घर में बैठ करके समाचार सुन रही है, और ये कौन था, बबली। हाँ, बबली अपने घर में बैठ करके समाचार सुन रही है, और ये चुन्नू अपने घर में बैठ करके सुन रहा है ना? तो कैसे ये आया समझ में, आया आपको? वही सैटेलाइट ने कैच किया, देखो एक बार वो लेता है फिर छोड़ देता है, लेकिन हमने क्या सीखा है, ले लेना देना तो हम जानते ही नहीं है, है ना? तो ये अच्छी बात नहीं, अगर आप किसी से कुछ चीज़ लेते हो, कोई चीज़ मांगते हो, तो देना भी सीखो, है ना? कई लोग होते हैं ना, जब उनकी ज़रूरत रहेगी तब आपसे इतने प्रेम से बात करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं अरे ये वही इंसान है, बाप रे कितना प्रेम है इसके अंदर, लेकिन जब उसका काम निकल जाएगा ना, फिर तो आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो उसको कोई खबर नहीं। और आप अगर उससे अपनी कोई चीज़ मांगोगे भी ना, तो वो ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि जैसे वो आपसे गुस्सा है, ठीक है? तो इस प्रकार के भी लोग देखे जाते हैं, पर आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, है ना, अच्छे बच्चे। अब यहाँ पे देखिएगा रेडियो है, रेडियो के थ्रू भी हमको जानकारियाँ मिलती हैं। और ये क्या पढ़ रहा है ये लड़का, क्या पढ़ रहा है, स्टूडेंट अखबार पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर के थ्रू भी हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, ठीक है? क्लियर है आप लोग को, समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, बस अभी ज़्यादा नहीं है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, उसके बाद आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। चलो यहाँ पर ओके, यहाँ पर कुछ तो दिया गया है, क्या करना है, स्टडी द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज, इन द बॉक्स बिलो राइट द नेम्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर बीइंग यूज्ड। यानी यहाँ पे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि ये न्यूज़ वाला है, मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सूचना मिल रही है, ठीक है? तो एक तो टीवी वाला है, दूरदर्शन आप लिख सकते हो, नेशनल ये लिख सकते हो, फिर यहाँ पे रेडियो है, और ये न्यूज़पेपर है, तो ये यहाँ पर लिख दीजिएगा बस। अब एक और क्वेश्चन है कि नोट डाउन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर से आप जो भी इन्फॉर्मेशन क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो, कलेक्ट करते हो, आपको समझ में आता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लिखिए। तो पहला दिया है एजुकेशनल, यानी एजुकेशन से रिलेटेड हमको जानकारी मिलती है अखबार के थ्रू, और स्पोर्ट की जानकारी मिलती है, फिर हमारे कंट्री के बारे में और वर्ल्ड की जानकारी हमको मिलती है, उसके बाद ट्रेड की जानकारी मिलती है ना, व्यापार कैसा चल रहा है, फिर और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लिखिएगा जरूर। हाँ, अब हम फाइनली पहुँच गए हैं किस पे, एडवांटेजेस ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, यानी ये जो मास मीडिया है इनके एडवांटेजेस हम देखेंगे, इनके फायदे कौन कौन से। हमेशा याद रखना, एडवांटेजेस मतलब फायदा, डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान, ठीक है? और डिसएडवांटेजेस को लिमिटेशंस भी कहते हैं, तो अगर लिमिटेशंस पूछा या फिर डिसएडवांटेजेस पूछा, तब आप समझ जाइए कि वो नुकसान पूछा जा रहा है, और अगर प्रॉफिट ये एडवांटेज, ठीक है, अगर आपसे एडवांटेजेस पूछा गया देन आप समझ जाओ कि आपसे ये अच्छी अच्छी बातें पूछ रहे हैं, यानी इसके फायदे कौन कौन से हैं, ठीक है? तो पहला फायदा क्या है बताऊँ आपको? यस, बताइए। पहला देखिए,
वी कैन ईजिली कॉन्टेक्ट पीपल फार अवे फ्रॉम अस, यानी जो लोग हमसे दूर हैं हम उनसे बहुत ही आसानी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था क्या? अब तो हमें किसी से भी बात करनी हो, किसी से भी बात करनी हो, एक बस ना बटन दबाने की देर है, ठीक है, मोबाइल उठाया, बटन दबाया, तुरंत बात। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या करना पड़ता था पता है आपको? चिट्ठी भेजनी पड़ती थी। पहले चिट्ठी लिखो, फिर उसको जा करके वो बॉक्स में डालो, फिर डाकिया आएगा ले करके जाएगा, और तब जाके आपकी चिट्ठी, देखो चिट्ठी पहुंचने में ही 10 से 15 दिन लग जाते थे, अगर ज़्यादा दूर रहे तो और भी ज़्यादा दिन लग जाते थे, और नज़दीक रहेगा तो, मतलब वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग था, अगर दूर है तो ज़्यादा टाइम लगेगा और अगर नज़दीक है तो जल्दी पहुंच जाता था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगता था। लेकिन अब तो कहीं भी कभी भी आधी रात को भी कुछ हुआ ना, तुरंत फ़ोन करके हम बता सकते हैं, समझ में आए? तो देखो इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पे अभी मैं आपको ना बस फ़ायदे ही गिनवाऊंगी, उसके बाद फिर नुकसान भी गिनवाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है, दोनों। दूसरा है, द टाइम एंड एफर्ट स्पेंट इन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी सेव्ड, यानी जो टाइम और एफर्ट हम लोग लगाते हैं, यानी जो अपनी मेहनत लगाते हैं इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, जैसे अभी वो जो मैं लेटर वाला बोल रही थी, ठीक है, पत्र भेजना है तो लिखना पड़ेगा, फिर डाकिया आएगा लेकर के जाएगा, तो मेहनत करेगा कि नहीं? समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, है ना? तो ये दोनों चीज़ों को किसने बचाया, किसने बचाया बताइए, किसने बचाया? तो मास मीडिया ने बचाया, है ना, हमने फ़ोन उठाया, मिला दिया। अगला यहाँ पे, दे हेल्प टू रेज अवेयरनेस अबाउट इशूज सच एज एनवायरमेंटल बैलेंस, जेंडर इक्वलिटी एंड क्लीननेस, यानी ये जो मास मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन है ये किसमें हेल्प करता है बच्चों? देखो लोगों को अवेयर करने में, ठीक है, एनवायरमेंटल बैलेंस, यानी हमें कैसे एनवायरमेंट को बैलेंस, जैसे टीवी पे आप लोग एड्स देखते हो ना जिसमें आता है स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने निकाला था, तो उसका भी, उसके भी एड्स आते थे, फिर पोलियो ड्रॉप का भी ऐड आता है ना, दो बूंद जिंदगी की बच्चों को पिलाना चाहिए, तो उसके थ्रू क्या मिल रहा है? अखबार में भी वैसे आता है, ठीक है, अखबार में भी आता है कि बच्चों को ये स्वच्छ भारत का, मतलब जो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है ये हमको अलग अलग माध्यमों से मिलती रहती हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, लोग अवेयर होते हैं, लोगों को इनके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये इसका एक फ़ायदा है। फिर पीपल कैन बी फॉरवॉर्न अबाउट नेचुरल डिजास्टर लाइक स्टॉर्म, सुनामी, फ्लड्स एक्सेट्रा, यानी देखो कोई भी तूफान आने वाला रहता है तो अब हमको पहले से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे तूफान आने वाला है, यहाँ से लोगों को हटा देना चाहिए, सरकारें पहले से ही अपनी टीम लगा देती है। देखो कोई भी तूफान आने वाला है वो तो तूफान आएगा, हम उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उससे जो होने वाले नुकसान है उनको तो कम कर सकते हैं, अगर हमको पहले जानकारी मिल जाएगी तो हम लोगों को वहाँ से हटा देंगे, है ना, दूसरे दूसरे जगह उनको शिफ्ट कर देंगे, इससे क्या होगा, कम नुकसान होगा, घर तो गिरेंगे, ठीक है, पेड़ गिरेंगे, उनको हम नहीं रोक सकते, पर जान तो बचा सकते हैं, लोगों को तो बचा सकते हैं ना, तो ये किससे, किसकी वजह से संभव हो पाया बताइए, किसकी वजह से संभव हो पाया? हमने क्या किया, ये जो मास मीडिया है, टेलीकम्युनिकेशन है, इसका यूज़ करके हमने पता लगाया कि यहाँ पर आज तूफान आने वाला है, और इसकी मदद से हम क्या हुए, जो बहुत भारी नुकसान, आप ही सोचिए अगर वहाँ पे लोग रहते, घर गिर जाता, लोग भी जाते, घर भी जाता, कितना नुकसान होता, तो हमने क्या किया, लोगों को वहाँ से हटा दिया, है ना, तो ये एक फ़ायदा हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने वाला रहता है तो उससे बचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, ओके, क्लियर है ना, काफ़ी ईजी है, आपको समझ में भी आ रहा है। फिर दे बिल्ड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एजुकेशनल फैसिलिटीज गुड थिंग्स हैपनिंग्स इन सोसाइटी एक्सेट्रा, यानी देखो इनकी हेल्प से हमको ना बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं हेल्थ से रिलेटेड, कोई मतलब हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना के बारे में कई सारी गाइडलाइंस होती है ना, वो हमको टीवी पे बार बार दिखाई जाती है एड्स के थ्रू कि आपको क्या करना है। जब पहली बार कोरोना की लहर आई थी तब तो टीवी पे ये आता ही रहता था, ऐसे हाथ धोइए, ठीक है, साबुन से हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करिए, और आपको घर में साफ़ सफाई रखनी है, मास्क लगाइए, ठीक है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको किसके थ्रू मिल रहा था, टीवी के थ्रू। उसी प्रकार से रेडियो में भी इस तरीके के एड्स आते थे कि कोरोना से बचना है तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, है ना, मास्क आप खुद से घर पर भी बना सकते हो, इस तरीके के भी एड्स आ रहे थे, ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है मास मीडिया से, है ना, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, ये भी हमको जानकारी मिलती है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हमको तुरंत ही मिल जाता है, ठीक है, उसकी जानकारी भी हमको मिल जाती है।
दे हेल्प इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल. यानी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, यानी जो गवर्नमेंट कोई स्कीम अगर लॉन्च करती है तो उसकी जानकारी भी लोगों को मिलती है और लोगों को उसका पूरा पूरा फायदा हो पाता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं. हाँ देखो, प्रधानमंत्री जी ने वो उज्ज्वला योजना लाया था, आप लोग को याद होगा, तब आप छोटे होंगे ना. चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. लेकिन उज्ज्वला योजना के बारे में आप लोग को पता होगा, है ना, कितना प्रचार हुआ था. तो वो जो उन्होंने स्कीम लाई थी वो गांव के महिलाओं को दी जा रही थी. तो अगर समझिए हमारे पास वो जानकारी नहीं है तो क्या हम वो गैस सिलेंडर लेने के लिए जाएंगे? नहीं. उस योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया जा रहा था फ्री में, ठीक है. तो जब हमको जानकारी मिली, मतलब लोगों को जब जानकारी मिली तभी तो वो गए लेने के लिए ना. तो किसके थ्रू मिली? इन्हीं के थ्रू मिली, है ना. सरकार जो भी नए नए स्कीम्स निकालती है लोगों के लिए, ठीक है, तो लोगों को पता चलता है और वो जा करके उसका लाभ उठाते हैं. तो ये भी एक फ़ायदा है. अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, तब तो मोदी जी पत्र पहुंचाते रह जाते, है ना, चिट्ठी पहुंचाते रह जाते कि उज्ज्वला योजना में आपको गैस सिलेंडर फ्री में दिया जा रहा है, आइए लीजिए. पता नहीं किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता. लेकिन ये सारी चीज़ें होने की वजह से हमको तुरंत ही इसकी जानकारी मिल गई और बहुत सारे लोगों ने इसके लाभ उठाए. फिर अगला है, अवेयरनेस कैन बी रेज्ड अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. ये सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी मिलती है. क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है. इससे क्या होता है? दिस इम्प्रूव्स द पीपल्स वे ऑफ लाइफ. इससे जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, यानी जो जीने का तरीका है, वो क्या होता है स्टूडेंट? इम्प्रूव्ड होता है ना. मास मीडिया हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. अब जो मास मीडिया है ना, वो ट्रेड और इंडस्ट्री के एक्सपेंशन में भी हेल्प करता है, यानी वो उसको एक्सपांड करता है. कैसे एक्सपांड करता है बताती हूँ. देखो, फ़ोन के थ्रू, मतलब जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, फिर फोन्स का यूज़ करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, है ना. तो इनकी हेल्प से क्या हो रहा है, अभी जो देखो सारे बिजनेस अब ऑनलाइन आ गए हैं, है ना. सब के सब बिजनेस क्या हो गए हैं? ऑनलाइन आ गए. इससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है और मतलब हमारे देश का भी विकास हो रहा है. क्योंकि देखिए, हमारे देश में अगर व्यापार बढ़ेगा तो हमारे देश का ही विकास होगा ना. तो इससे ये भी एक फ़ायदा हो रहा है कि ट्रेड और जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो भी ग्रो कर रही हैं, उनका भी एक्सपांसन हो रहा है. ठीक है, क्लियर है, ओके. और ये भी अब बात आप ध्यान में रखना, जैसे जो ये व्यापारी लोग होते हैं, मतलब कोई भी कंपनी है, तो वो क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स के ऐड भी चलवाते हैं टीवी के ऊपर. तो वो ऐड देखने से क्या होता है, हम लोग उस चीज़ को खरीदते हैं तो उनका व्यापार बढ़ता है, है ना. तो ये भी एक फ़ायदा है. तो ये बच्चों हमने सभी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी. इसकी किसकी देखी? टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया की, ठीक है. सभी अच्छी अच्छी बातें सीख ली, देख ली. अब कुछ बुरी बातें भी देख लेते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस. अभी इनका डिसएडवांटेजेस क्या है जानना है आपको? जानना है इसके नुकसान क्या है? ओके, जान लीजिए, है ना. अभी कई बच्चे होंगे जो चिढ़ेंगे भी. क्यों चिढ़ेंगे बताती हूँ, सुनिए. लेकिन आप नहीं चिढ़ोगे, आप अच्छे बच्चे हो ना, आप नहीं चिढ़ोगे. सुनिए, एक्सेसिव यूज ऑफ द टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स कॉजेज डिसऑर्डर ऑफ द आईज, ईयर्स एंड बैक, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड आइसोलेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो पॉसिबल. इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, सुनिए. जब हम मोबाइल फोन, टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ऐसे मोबाइल से दिन भर आप चिपके रहो, आपकी आँखों में जलन होने लगेगा, आपकी आँखें खराब हो सकती हैं, है ना. आपके पीठ, क्योंकि बैठे बैठे हम टीवी देखते रहेंगे तो पीठ में भी प्रॉब्लम आ सकती है. उसके बाद आपके कान में भी ईयरफोन लगा करके सुनते रहेंगे तो हमारा जो कान है वो भी ख़राब हो सकता है, ठीक है. अगर देखो, जो लोग ज़्यादा ईयरफोन्स लगाते हैं उनके पागल होने का भी खतरा रहता है, ठीक है. तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम, मतलब ईयरफोन लगाना, ऐसा नहीं कि नहीं लगाना है, ठीक है. ईयरफोन आप लगा सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा और लगाइए ना, जब ज़रूरत हो तब. ऐसे फालतू में क्यों लगाने का, ओके. और मोबाइल फोन्स को ना अपने शरीर से दूर रखने की कोशिश करो, क्योंकि इससे भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, ठीक है. तो इसके इतने सारे नुकसान हैं. आपने फ़ायदे देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि हाँ, हमें तो मोबाइल का यूज़ करना चाहिए. हाँ भाई, यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में. ऐसा नहीं कि हम पूरी हद ही पार कर जाएं, तब तो वो, जैसे आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो क्या होता है बताइए? ज़्यादा खाना खा लेते हो तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बीमार पड़ जाते हो. इसी प्रकार से ज़्यादा मोबाइल का, ज़्यादा टीवी, ज़्यादा
कंप्यूटर का यूज़ हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी दिमाग में हमारा दिमाग जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है और आइसोलेशन, अकेलापन आ जाता है, ठीक है। चलो अभी अगला देखते हैं, ये तो पहला नुकसान है। दूसरा, वी गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू टेलीविजन चैनल्स एंड द इंटरनेट, यानी इंटरनेट और टेलीविजन चैनल्स के थ्रू हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओके। फिर आगे सुनिएगा, ये तो फायदा हो गया, नुकसान क्या है, नुकसान नीचे, देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बींग मिस यूज टू डिस्टर्ब द पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। सुनिए बच्चों क्या होता है, देखो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हमको जानकारी तो मिलती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कई लोग होते हैं जो इन जानकारियों का, जो इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ करते हैं ना, शांति को भंग करने के लिए, पूरा सब जगह शांति है तो वो उसमें कहीं ना कहीं खलबली मचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इनके काम आ जाती है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या रखा है इंटरनेट या फिर टीवी चैनलों की हेल्प से, और फिर वो ले जा करके वहाँ पे बॉम्ब वगैरह रख देते हैं, ठीक है, या फिर बहुत तरीके से नुकसान पहुँचाया जा सकता है। शांति को बस भंग तो करना है, कोई भी दंगा फसाद करने लगते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये तो एक नुकसान है ना, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी लेकिन किसी ने तो वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया, बट किसी ने क्या किया, गलत यूज़ किया, ठीक है। फिर अगला है, टाइम स्पेंट ऑन वॉचिंग टेलीविजन लीड्स टू निगलेक्ट ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स ऑन फिजिकल फिटनेस, दिस हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन साइकोलॉजिकल हेल्थ। अभी बच्चों सुनिएगा, बच्चे आजकल क्या करते हैं, दिन भर ऐसा मोबाइल फ़ोन पे चिपके रहेंगे या फिर टीवी से चिपके रहेंगे, चिपकना मतलब ऐसे जाके चिपकते नहीं हैं, टीवी देखते रहेंगे, है ना, टीवी में कार्टून आ रहा है, चलो चलो डोरेमोन आ रहा है देखेंगे, सिंजेन आ रहा है ना, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ये सब देखने में, निंजा थोड़ी आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से तो वो तो टीवी देखेंगे, फिर मोबाइल ले लेंगे गेम खेलने के लिए, ठीक है, तो मोबाइल से चिपके रहेंगे, और फिर उससे भी हटे तो कंप्यूटर पे चले जाते हैं, कंप्यूटर पे अलग अलग साइट्स देखने लगते हैं, तो दिन भर देखो दिन भर बच्चे बैठे ही रहे, ठीक है, कहीं खेलने गए, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज हुई नहीं हुई, है ना, तो इससे क्या हुआ, देखो इसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि बच्चे दिन भर घर में ही रहते, वो कभी बाहर जाते नहीं है, हाथ पर अपना चलाने वाला गेम खेलते ही नहीं है, पकड़म पकड़ाई कभी खेलते नहीं है, कबड्डी नहीं खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, है ना, क्यों, मोबाइल की वजह से, ठीक है। तो ये कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि देखो जब हम खेलते हैं तो क्या होता है, हम क्या होते हैं ना, स्वस्थ होते हैं, हम फिट रहते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में भी स्पोर्ट के पीरियड होते, क्यों होते हैं भाई, ऐसे ही फालतू में, आपको तो पढ़ाने के लिए बुलाया गया है, फिर क्यों टीचर खिलवा रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, आप ना हेल्दी रहोगे, आप फिट रहोगे, ठीक है। तो अगर आपको फिट रहना है तो खेलना चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो गया है, इसकी वजह से बच्चे दिन भर घर में ही रहते, जिसकी वजह से उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा मोबाइल का यूज़ मत किया करके, ज़्यादा टीवी भी मत देखिए, और बाहर थोड़ा खेलिए, आउटडोर बाहर जाइए, अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाइए, फिर कबड्डी खेलिए, उसके बाद खो खो खेलिए, और कौन कौन से खेल होते हैं, और भी बहुत सारे खेल होते हैं ना, पकड़म पकड़ाई खेलिए, लुका छिपी खेलिए, बर्फ पानी, डोंगर पहाड़, वही है ना, तो वो सारी चीज़ें आप खेलिए, इससे क्या होगा, आप फिट रहोगे। अब बहुत से बच्चे ना बड़ा खुश हो रहे होंगे, जिनको ये सारे खेल पसंद होंगे वो बड़े खुश हो रहेंगे कि हाँ ये तो हमारे फायदे की बात है, हम खेलेंगे, और कई तो अपनी मम्मी से भी जा करके बताएंगे कि देखो देखो टीचर ने बोला है खेलने से हम फिट रहते हैं, है ना, जा करके बताओगे। तो सुनो बच्चों, खेलना है लेकिन एक लिमिट में, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप दिन भर खेलोगे, नहीं, पढ़ाई भी करनी है, टाइम से खेलना है, टाइम से पढ़ाई करना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, अब व्हाट्स द सॉल्यूशन। देखो बच्चों, एक बहुत ही शैतान सा बच्चा है, शैतान नहीं बोल सकते, अच्छा बच्चा ही है, क्या करता है पता है आपको, दिन भर ना, इसका नाम है आमोद, ठीक है, देखो इसका नाम लिखा हुआ है आमोद, ठीक है, और ये पढ़ता है फिफ्थ क्लास में, आप ही के जैसा है, पांचवी कक्षा में पढ़ता है, और ये क्या करता है पता है आपको, स्कूल जाता है, रोज स्कूल जाता है, स्कूल से आते ही क्या करता है, कंप्यूटर पे बैठ जाता है, कंप्यूटर पे अलग अलग वेबसाइट जाकर के देखता है, फिर कंप्यूटर हो गया ना तो टीवी देखता है, अपने फेवरेट कार्यक्रम तो देखता ही है, उससे कभी नहीं चूकता, और क्या करता है, और क्या करता है, और अपनी मम्मी के मोबाइल लेकर के भी गेम खेलता है। देखते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पता है क्या करते हैं, चुपके से मोबाइल ले लेंगे गेम खेलने के लिए,
और ऐसा कोने में जा करके बैठ जाएंगे ना कि उनकी नजर किसके ऊपर पड़ेगी भी नहीं, इतना अंधेरा रहेगा, उधर जा करके बैठ जाएंगे। या फिर कभी कभी तो बच्चे बेड के नीचे भी घुस जाते हैं या फिर टेबल के नीचे, बस उनको गेम खेलने के लिए जाए और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी करता है। अब जो इनकी माता जी हैं, इनकी मम्मी बड़ी परेशान है क्योंकि ये सारी आदतों की वजह से इसका हेल्थ बिगड़ रहा है। ठीक है, इसका वजन भी बढ़ रहा है क्योंकि बाहर जाता ही नहीं है, दिन भर घर में बैठा 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 रहता है, तो इसका वजन भी बढ़ रहा है। और ये कैसा हो रहा है, मतलब ये थोड़ा कैसे देखो, बच्चे दिन भर बैठे रहेंगे तो कैसे चिड़चिड़ापन नहीं आ जाता। टीवी देखते, आपने भी देखा होगा, अगर आप 2-3 घंटे लगातार टीवी देख लोगे ना तो आपको बहुत अंदर से बहुत बुरी वाली फीलिंग आती है। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से इसको भी हो गया है। अब इनकी मम्मी टेंशन में है कि क्या करें क्या करें, क्या करना चाहिए इनकी मम्मी को, बताइए कुछ तो सॉल्यूशन बताइए कि इसको कैसे टीवी से बचाया जा सकता है, कैसे मोबाइल फोन से बचाएं, क्या करें, इसकी बीमारी को कैसे भगाएं। कुछ सॉल्यूशन है आपके पास? सॉल्यूशन है ना, इनकी मम्मी को इसका टीवी देखना, गेम खेलना, ये सब कुछ कम करवाना चाहिए। बंद तो नहीं बोलूंगी क्योंकि अगर पूरा ये बंद करवा दिया तब तो ये गुस्सा करके बैठ जाएगा, फिर तो कुछ काम ही नहीं करेगा। तो धीरे धीरे क्या करना चाहिए, इनकी मम्मी को मोबाइल, जैसे वो 1 घंटा मोबाइल लेता है तो अब उसको आधे घंटे देना चाहिए, 10 मिनट के लिए देना चाहिए, है ना। धीरे धीरे उसका मोबाइल खेलना कम करवाना चाहिए, टीवी देखना कम करवाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से ये जो लड़का है वो ठीक हो सकता है। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर क्या याद रखना है बच्चों, टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेज शुड बी यूज प्रॉपरली एंड सेंसिबली, यानी सेंसिबली वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू यूज देम एक्सेसिवली। वही मैं बोल रही थी कि ये जो सारे डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, ओके, ये सारी चीज़ों का हमको ना एक लिमिट में यूज करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसका ज़्यादा उपयोग ना करें। ठीक है, ओके, डू यू नो, ओके, क्या जानते हो बच्चों आप? अरे ये तो जानते हो ना, क्या जानते हो, पहले क्या होता था जब ये स्मार्टफोन नहीं थे, मोबाइल फोन थे, तब लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे बिना देखे, है ना, बस बात पहुंचती थी। लेकिन अब कैसा जमाना आ गया है, अब तो फेस टू फेस बातें होती है। और यही नहीं, ये फेस टू फेस बातचीत में ना 2 से 3 लोग, मतलब चाहे जितने लोग वहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं, यानी ग्रुप कॉल कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये एक सिस्टम है जो आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे विकसित किया गया है। आप लोग भी बात करते होंगे वीडियो कॉलिंग अपने दादा दादी को, नाना नानी को, या फिर मौसा मौसी को, है ना, इस प्रकार से। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपका ये जो लेसन है ये कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेसन अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारी नई नई जानकारियाँ ली होंगी, ली है कि नहीं, ली है ना। ओके, अब उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट, इसका एक्सरसाइज आता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके आंसर आपको जो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो होगा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया उतना रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो आप ना याद करके ही रखना। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।